वेलकम टू AKTNT फैमिली भाई। आगे आपने वीडियो देखा होगा कि हम कैसी तरह अभी सोलंग वैली जाने के लिए अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। रास्ते में है ना ज़बरदस्त ट्रैफिक मिल रहा है और अभी भी हम आराम आराम से ही चल रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि रोड पे है ना ज़बरदस्त ब्लैक आइस भी जमी हुई है और टायर भी स्लिप होते रहते हैं अगर ज़्यादा एक्सेलेरेट कर दिया तो। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कहीं पर भी नज़र आपको लगाओ ना तो आपको पूरे जो स्नो माउंटेन कवर दिखेंगे और उसमें हमारी 4x2 गाड़ी चल रही है। आगे के वीडियो आपने देखा और ढेर सारा प्यार दिया, इस बदल आप सभी लोगों का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद। ऐसा ही प्यार बना रखिएगा, ठीक है। अभी सोलंग वैली की तो पहुंच गए हैं, अभी उससे 5 किलोमीटर आगे हैं और ट्रैफिक में फंसे हुए अभी भी। भाई सिचुएशन जो है ना वो अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही है, क्योंकि कहीं पे भी गाड़ी लगाने के लिए पार्किंग ही नहीं मिल रहा है और हम आधे घंटे से यहीं पे ही खड़े हैं और देख सकते हो कि जो कट टू कट ट्रैफिक चल रहा है अभी भी, ठीक है। अभी भी एक ही जगह पे हम खड़े हैं, देखो आगे गाड़ी हमारी मूव ही नहीं हो पा रही है, इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक है यहाँ पे। और सारी गाड़ियाँ जो है ना वो ऊपर की तरफ से जो आ रही है ट्रैफिक, अभी भी उन्होंने आगे जाने के लिए बोला है ऊपर वाले लोगों को, तो वो वहाँ से ऊपर से जो गाड़ी आ रही है ना वो भी ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड कर रही है, ठीक है। ये देखो अभी भी थोड़ा बहुत ही मूव कर पा रहे हैं हम और करीबन 1 घंटा तो हो चुका है हमको यहाँ पे ही, और सोलंग वैली जबकि यहाँ से सिर्फ 4.5 किलोमीटर ही है और 4.5 किलोमीटर आगे जाने के लिए अभी भी गूगल आंटी जो है ना वो हमको दिखा रही है 1.5 घंटा लगेगा। भाई साहब देखो एक दूसरे को हेल्प करते करते अभी चल रहे हैं, जैसी तरह आगे वाले पास दे रहे हैं वैसी तरह गाड़ी अभी चल रही है हमारी भी। लेकिन है ना कुछ भी कहो भाई, इतने ज़्यादा ट्रैफिक है ना तो भी इरिटेट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आसपास का जो नज़ारा है ना वो बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए वो नज़ारे को फुल एंजॉयमेंट करके अभी चल रहे हैं। ये जो टर्निंग देख रहे हो ना आगे की तरफ जहाँ पे गाड़ियाँ लगी है, भाई वो टर्निंग पे है ना काफ़ी सारी गाड़ियाँ अभी भी स्लिप हो रही है, तो यहाँ पे भी ट्रैफिक लग चुका है अभी भी। बहुत ही मुश्किल से हम बाहर निकले ट्रैफिक से और बीच में है ना एक बंदे को बिठा दिया था, क्योंकि पार्किंग कहीं पर मिल नहीं रहा था, इस हिसाब से इसने बोला कि भाई पार्किंग मेरे यहाँ पर मिल जाएगा, इसलिए ये बंदे को बिठा लिया हमने। और यहाँ से हमने जो है ना टिकट लिया था जो एडवेंचर एक्टिविटी करने के लिए, तो वो भी हमने यहीं से ही परचेस किया। आगे के वीडियो में मैंने जो गाड़ियाँ दिखाई थी ना भाई कि 3 गाड़ी टेम्पो ट्रैवल्स और वो सब चल रही थी, तो यही ग्रुप की चल रही थी टेम्पो ट्रैवल्स, वो एक ही ग्रुप है पूरा इनका 68% है और ये लोग भी यहाँ पे बहुत एंजॉयमेंट कर रहे थे और ये भी हमारे साथ साथ सोलंग वैली आ गए थे। ये देखो पीयूष भाई है, फिर मैडम है और उनका ब्रदर है, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ चलाना है, हाँ लेकिन ये सब बैठे ना।
देखो भाई, नहीं चला रहा हूँ मैं, लो ये ले हिमानी पकड़। ये भी स्नो स्केटिंग करेंगे ऐसी तरह। हाँ, एक मिनट स्वामी। ये जो लड़का है ना भाई साहब, जो मुझे शूज पहना रहा है ना, स्केट शूज, वो बहुत ही ज्यादा टाइट थे, क्योंकि स्केट सूट ऑलवेजली वो ज़्यादा ही टाइट रहेगा। लेकिन अपने हम खुद नहीं पहन सकते, दूसरे का भी सहारा लेना पड़ता है, इसलिए ये पूरा लॉकिंग सिस्टम है इसका, वो लॉक करेगा फिर चलेगा स्केट करने के लिए आगे। बहुत टाइम के बाद अभी आइस स्केटिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट होने में भी टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग देखिएगा कि भाई मैं कैसी तरह स्केट कर रहा हूँ। थोड़ा माइंड में है कि भाई इसको ट्रिक कैसा है, कि इसको ब्रेक कैसी लगानी है, कैसी तरह इसको स्की करना है, ठीक है। तो आगे आप वीडियो पूरा देखिएगा और लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसके बाद का जो भाई राइड जो चलने वाला है ना, वो बहुत ही बढ़िया चलने वाला है। दो भाई हम तो चले अब स्केट करने के लिए। ये भाई साहब ने पीछे की तरह से जैकेट पकड़ा है, अभी छोड़ दिया हमको और हम खुद अभी जा रहे। अभी जो है ना ये ढलान है, इसलिए हम फास्ट जा रहे हैं, लेकिन जब ऊपर चढ़ाने की बात आएगी ना ढलान से ऊपर की तरफ, तब ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं चला रहा हूँ और काफ़ी टाइम के बाद ये चला रहा हूँ, इसलिए टाइम बहुत लगेगा। आगे की तरफ कैसी तरह ब्रेक करना है, दोनों स्केटिंग को कैसी तरह, जो आगे वाला जो स्केट है उसको कैसी तरह क्रॉस करके उसको ब्रेक लगानी है, वो सब कुछ इसमें आएगा, ठीक है। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, हम बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं भाई। ये सोलांग वैली का ये पूरा नज़ारा है, ठीक है। तो अभी तो हमने स्टार्ट कर दिए, ये देखो बढ़िया तरीके से अभी ट्रिक बन गई है और पता भी चल गया है कैसी तरह इसको ट्रिक से चलाना है, ठीक है। चलिए आप लोग भी एंजॉयमेंट कीजिएगा साथ साथ में, और लाइक से सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। अभी जो ये सड़क के अभी हिमानी आ रही है ना, अभी जा रहे हैं हम जीपलाइन करने के लिए। यहाँ पे इसकी एक्टिविटी खत्म हो चुकी है, अभी जीपलाइन करने के लिए जाने वाले हैं। आपने आगे के वीडियो में जो प्यार दिया उस बदल सभी लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ऐसी तरह लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और मिलते हैं ऐसी बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने लोगों का खास ध्यान रखिएगा, बाय बाय। आगे जो आने वाला है ना वो जीपलाइन, बहुत ही डेंजर वाली जीपलाइन है, तो वो वीडियो भी देखना मत भूलिएगा।